नमस्ते दोस्तों, गृहिणी के पेज पर आप सबका स्वागत है। आज हम स्वास्थ्य संबंधित जानकारी में बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। दोस्तों, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। गाजर, फूलगोभी, टमाटर, आलू, नींबू, पालक, शिमला मिर्च, लाल मिर्च विटामिन सी से आदि सब्जियां भरपूर होती है। चुकंदर, पपीता, कीवी, संतरा, खट्टे फल, अंगूर, अनानास, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, आंवला और अनार जैसे फल विटामिन सी प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह विटामिन शरीर और त्वचा के लिए कितना फायदेमंद है। विटामिन सी त्वचा में कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन विटामिन सी द्वारा शरीर में बनाया गया एक प्रोटीन है। यह आपकी त्वचा को मुलायम बनाए रखता है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो त्वचा उम्र से पहले ही खराब हो जाती है और चेहरा जल्दी बूढ़ा लगने लगता है। विटामिन सी की उचित मात्रा चेहरे पर झुर्रियों को रोकती है। गर्मियों के अत्यधिक गर्मी चेहरे पर सनबर्न का कारण बन सकती है। सूरज की किरणों से व्यक्ति के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन आप अपने आहार में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करके इस जोखिम से बच सकते हैं। बालों को सूखने से रोकने के लिए शरीर को पर्याप्त विटामिन सी की आवश्यकता होती है। शरीर में विटामिन सी की कमी खोपड़ी पर क्रस्टिंग का कारण बनती है। यह बालों के रोम को कमजोर करता है और बालों के झड़ने का कारण बनता है। लेकिन विटामिन सी की मदद से सिर में रक्त का संचार बढ़ता है और बाल लंबे और सुंदर बनते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। शरीर में रक्त में घूमने वाले विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स शरीर के किसी भी अंग को नुकसान पहुंचाते हैं। विटामिन सी उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। आपकी त्वचा को सूरज की किरणों और प्रदूषण से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप गर्म दिनों में विटामिन सी से भरपूर सब्जियों और फलों का सेवन करें। अब दोस्तों देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से शरीर में क्या होता है। विटामिन सी की कमी से शरीर में एनीमिया का खतरा बढ़ता है। मसूड़ों से खून आने की समस्या होती है। अगर यह शरीर पर कहीं चोट करता है तो काले दाग भी पड़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यह बीमारियों और आवर्तक बीमारियों की तेजी से संचरण का कारण बन सकता है। कहीं भी पड़ा हुआ घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। बाल शुष्क और मोटे हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से शरीर में चयापचय धीमा हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है। त्वचा खुरदरी रहती है। जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। दांतों को इनेमल के गिरने की समस्या होती है और याद शक्ति घटती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों, अभी हमने बात की विटामिन सी के बारे में। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस पेज को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज ना भूलें। ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर हम फिर से मिलते रहेंगे। जय हिंद।